इस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए अभी हम लोग पढ़ने वाले मोलर स्पेसिफिक हीट को, लेकिन इससे पहले हमने स्टडी किया था स्पेसिफिक हीट को और हीट कैपेसिटी को, आप इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। ओके, और कल के डिस्कशन में हमने ये पढ़ा कि स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए स्पेसिफिक हीट तो होती है 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने की, और हीट कैपेसिटी हमने पढ़ी थी कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो उस समय आपको जितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उस हीट एनर्जी को क्या बोला जाएगा, हीट कैपेसिटी बोला जाएगा। तो इसमें पर किलोग्राम का होता है, और हीट कैपेसिटी के अंदर हम लोग सब्सटेंस के मास पर ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसी हीट एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी में मास को नहीं देखा जाता कि बॉडी का क्या मास है, बस ये बात की जाती है कि बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बराबर है और कितनी हीट बनी पड़ेगी, दैट इज हीट कैपेसिटी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। देखिए दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, स्पेसिफिक हीट के अंदर हम लोग सब्सटेंस को मेजर करते हैं किलोग्राम के अंदर, सब्सटेंस को मेजर करते हैं किसमें, किलोग्राम में। ओके, तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें हम लोग सब्सटेंस को मेजर करते हैं किलोग्राम में, और इसमें हम लोग सब्सटेंस को मेजर करेंगे मोल्स के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स मतलब कितने मोल सब्सटेंस यूज किया गया। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं ऑक्सीजन गैस की बात करता हूँ तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस O2 लिखा है मैंने, 1 मोल ऑक्सीजन गैस कितने ग्राम में आती है, 32 ग्राम के अंदर आती है। जो 1 मोल ऑक्सीजन गैस है वो कितने ग्राम में आती है, 32 ग्राम में आती है। तो अगर मैंने 1 मोल ऑक्सीजन गैस को यूज किया किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर तो मुझे 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस का यूज करना पड़ेगा, मतलब कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, 32 ग्राम। तो हम लोग इसको ग्राम्स में या किलोग्राम में मेजर ना करके हम लोग इसको किसमें लिख देते हैं, मोल में लिख देते हैं। सब्सटेंस की क्वांटिटी हम लोग किसमें यूज करने वाले हैं, मोल के अंदर, और यू कैन से दैट नंबर ऑफ मोल। इसमें सब्सटेंस को किलोग्राम में लिखा गया, इसमें सब्सटेंस को मोल्स में लिखा गया। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ फिर आपको इनका डिफरेंस बताता हूँ दोनों का। इसकी डेफिनेशन में तो आपको दिख रहा है कि 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। और इसमें देखिए क्या होगा, क्या चेंज होंगे, द हीट रिक्वायर्ड, और यू कैन से दैट हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। तो दोनों की डेफिनेशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसमें सब्सटेंस को हमने किलोग्राम में मेजर किया और इसमें सब्सटेंस को हमने लिखा 1 मोल। तो 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं तो बोल देंगे ये बहुत स्पेसिफिक हीट है उस सब्सटेंस की। अगर 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं तो बोल देंगे वो सब्सटेंस की मोलर स्पेसिफिक हीट है। तो दोनों में बड़ा ही सिंपल सा डिफरेंस है, उसमें सब्सटेंस को मास में मेजर करेंगे, किलोग्राम में मेजर करेंगे, और इसमें सब्सटेंस को नंबर ऑफ मोल्स में लिखा जाएगा। अब फॉर्मूला में देखिए क्या चेंजेस आएंगे। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट इसको लिखा जाता है कैपिटल सी से, जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है उसको किससे लिखते हैं, उसको कैपिटल सी से लिखते हैं, और ये जो स्पेसिफिक हीट थी इसका सिंबल था स्मॉल एस। तो फॉर्मूला में देखिए क्या चेंज करेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सब्सटेंस विच इज डेल्टा क्यू, क्यू भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू लिखा गया स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज गिवन, यहाँ पर लिखा था मास, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल, और डेल्टा टी। तो देखिए दोनों फॉर्मूला के अंदर क्या चेंज किया हमने, अगर सब्सटेंस को मास में लिखा गया, किलोग्राम से मेजर किया गया तो वो स्पेसिफिक हीट होगी, और अगर सब्सटेंस को नंबर ऑफ मोल्स में लिखा गया, नंबर ऑफ मोल्स में मेजर किया गया तब उसको बोला जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट। तो ये डिफरेंस है। अच्छा, अब यहाँ से आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं, कैसे डेफिनेशन बनाएंगे, ये डेफिनेशन लिखी हुई है लेकिन इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल कितना लिया, 1 मोल,
एंड चेंज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों क्वांटिटीज यहाँ पर पुट कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी। एन की वैल्यू 1 पुट कर दी, डेल्टा टी की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो डेल्टा क्यू किसके बराबर आ जाएगा, सी के बराबर आ जाएगा। यही तो डेफिनेशन है, इसी के बेस पर तो ये डेफिनेशन लिखी गई है। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो दिस इज द स्पेसिफिक हीट एंड दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट, और ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, और सिंपल सा डिफरेंस है। ओके, एक और डिफरेंस है, एक और डिफरेंस है। ये जो स्पेसिफिक हीट है ये होती है सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए, इट इज फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। लेकिन गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट नहीं बोला जाता, ये स्पेशली किसके लिए यूज की जाती है, ये यूज की जाती है गैसेस के लिए। देखिए उसका एक रीजन है, स्पेशल रीजन है स्पेसिफिक हीट। देखिए सॉलिड जो है, मान लीजिए अगर तक कोई भी सॉलिड था, जैसे हम एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेकर के चल रहे थे कि 5 किलोग्राम एल्यूमिनियम है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट है। तो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, कॉन्स्टेंट। तो सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट होती है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, जब मैं किसी भी सब्सटेंस को हीटअप करता हूँ, सॉलिड सब्सटेंस को, तो वो हीट एनर्जी उसके टेम्परेचर को राइज करती है। मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, पार्टिकल के मोशन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। पार्टिकल के मोशन इंक्रीज होने की वजह से, या आप बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से उनका टेम्परेचर राइज होता है, लेकिन वो एक्सपेंड बहुत कम होता है, लेकिन उनका एक्सपेंशन बहुत कम होता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि हमने जो हीट एनर्जी दी थी उससे सिर्फ उसका टेम्परेचर बढ़ा, एक्सपेंशन नेगलिजिबल। सॉलिड के बारे में आपने पढ़ा है कि सॉलिड का जो कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, दैट इज वेरी स्मॉल, 10^-5 -6 इस रेंज के अंदर होता है। तो सॉलिड का एक्सपेंशन जो है वो बहुत कम होता है, तो हम जो भी हीट एनर्जी देते हैं उससे सिर्फ उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और वो एनर्जी एक्सपेंशन में खर्च नहीं होती, हम ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि उसका एक्सपेंशन जो है वो बहुत स्मॉल होता है। देखिए अब मैं हीट एनर्जी दे रहा हूँ सब्सटेंस को, उस हीट एनर्जी से क्या होगा, या तो उसका टेम्परेचर राइज होगा, दूसरा या वो क्या हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है, या दोनों काम भी हो सकते हैं, या दोनों वर्क भी हो सकते हैं। इस केस में ऐसा पॉसिबल है, टेम्परेचर राइज हो रहा है और सब्सटेंस एक्सपेंड भी हो रहा है। अब हम लोग क्या मानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड का एक्सपेंशन बहुत क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, उनका कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन जो होता है वो बहुत कम होता है। जो अल्फा बीटा गामा हमने निकाले थे थर्मल एक्सपेंशन में, उनकी वैल्यूज बहुत स्मॉल होती है। तो हम ये मानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड एक्सपेंड नहीं होते, उनकी जो वो जो एक्सपेंशन है वो नेग्लिजिबल है। तो हमने जो भी हीट एनर्जी दी वो सारी हीट एनर्जी किसमें खर्च हो रही है, वो उसका टेम्परेचर राइज करने में जा रही है। लेकिन अगर गैसेस की बात करें, गैसेस की अगर बात करें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें ये प्रॉब्लम है कि जब हम हीट एनर्जी देंगे तो उसका टेम्परेचर भी राइज होगा, और गैस क्या होगी, और वो गैस क्या होगी, एक्सपेंड भी होगी। तो हीट एनर्जी 2 वर्क के अंदर खर्च होगी, तो हीट एनर्जी 2 वर्क के अंदर यूटिलाइज हो रही है। सबसे पहला उस हीट एनर्जी से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, पार्टिकल का मोशन बढ़ रहा है, पार्टिकल का मोशन बढ़ने से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। दूसरा वो हीट एनर्जी गैस को एक्सपेंड करने में भी काम आ रही है, क्योंकि गैस अगर एक्सपेंड हो रही है तो उसके आसपास मतलब कि एटमोस्फेरिक प्रेशर है, और उस एटमोस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस करते हुए, उसको ओवरकम करते हुए वो ऐसा फैलती जा रही है। तो मतलब कि ये हीट एनर्जी 2 जगह पर जाती है। इसमें मान लीजिए हमने 100 जूल की एनर्जी दी, तो 100 जूल के अंदर से 99.9 जूल तो टेम्परेचर इंक्रीज करने में चले गए। तो हमने बोला कि इसमें जो भी हीट एनर्जी दी वो सारी की सारी टेम्परेचर को राइज करने में खर्च हो गई, और इसमें मैंने 100 जूल दिए, 100 जूल दिए तो 70 जूल से तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और 30 जूल से ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो आप ये बताइए कि गैसेस की स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट है क्या, तो आंसर है नो, गैसेस की स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट नहीं होती है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि वो किस कंडीशन में आप उसका टेम्परेचर राइज कर रहे हो, या उस हीट एनर्जी से एक्सपेंशन हो रहा है, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो गैसेस की स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट नहीं होती, गैसेस की स्पेसिफिक हीट क्या नहीं होती है, कॉन्स्टेंट नहीं होती है, जबकि सॉलिड और लिक्विड की स्पेसिफिक हीट लगभग कॉन्स्टेंट मानी जाती है, अप्रोक्सीमेट कॉन्स्टेंट मानी जाती है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, हीट एनर्जी देने से
सिर्फ उसका टेम्परेचर राइज होता है, एक्सपेंशन जो है वो नेग्लिजिबल होता है, तो हम उसको काउंट नहीं करते। जबकि गैसेज में क्या होता है, जो भी हीट एनर्जी हम देते हैं उससे दो वर्क होते हैं, या तो उसका टेम्परेचर राइज होता है प्लस एक्सपेंशन भी होता है। तो कुछ हीट एनर्जी टेम्परेचर राइज करने में चली जाती है और कुछ हीट एनर्जी गैस के एक्सपेंशन में चली जाती है। ओके, तो स्पेसिफिक हीट किसके लिए होती है? सॉलिड्स और लिक्विड के लिए होती है। और मोलर स्पेसिफिक हीट, ये वर्ड स्पेसिफिक किसके लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है गैसेज के लिए। अब ये भी दो तरह की होती है, जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है वो भी टू टाइप्स की होती है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक डेरिवेशन करवाने वाला हूँ, इसके टाइप्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग एक डेरिवेशन करने वाले हैं जिसमें मैं ये फॉर्मूला आपको बना करके बताऊंगा। P इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। एक सिंपल सी ट्रिक आपको बता देता हूँ, हालांकि आपने केमिस्ट्री में इसको स्टडी किया होगा। जब भी मैं बात करता हूँ कि हम लोग किसी गैस की बात कर रहे हैं, तो उसका जनरल मीनिंग होता है कि आइडियल गैस के बारे में ही बात की जा रही है। ये आपको ध्यान रखना होगा इस चैप्टर में और आगे के चैप्टर में। ओके, अब जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ कि हाइड्रोजन गैस, हीलियम और लिथियम, ये सब कितने एक मोल के अंदर कितना सब्सटेंस आता है, कितने ग्राम आता है, तो देख लीजिए इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला एलिमेंट मेरे पास हाइड्रोजन है, फर्स्ट एलिमेंट। ओके, कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिख रहा हूँ मैं इसके अंदर। जो हाइड्रोजन है उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो इसके बेसिस पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एटॉमिक मास लिखेंगे। एटॉमिक मास जो है वो यूनिट में लिखूंगा मैं, यूनिट, AMU बोलते हैं ना, एटॉमिक मास यूनिट, तो मैं इसको यूनिट में लिखने वाला हूँ। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो यूनिट मास होगा इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन देख लीजिए, आपको भी समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो मैंने इसका अप्रोक्सीमेट लगभग मास कितना लिख दिया, 1 यूनिट। अप्रोक्सीमेशन में चल रहा है ये सब कुछ, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बता रहा मैं आपको। तो एक प्रोटॉन का मैंने इसका मास लिख दिया 1 यूनिट। अब इस यूनिट को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, ये जो यूनिट है हम इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इज 1, न्यूट्रॉन इज 0, तो मास इज 1 यूनिट। अब इस यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो बोलेंगे 1 ग्राम। अब ये 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 1 मोल हाइड्रोजन। 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 1 मोल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, H। अगर मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या हुआ, इसमें कितने एटम्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इसको किससे लिखा जाता है, H2 से लिखा जाता है। इसका मास है 1 यूनिट, इसका मास है 1 यूनिट, 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, टोटल मास इसका कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। 2 यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 यूनिट को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम में। तो हम बोलेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कितने ग्राम में आती है, वो 2 ग्राम में आती है। 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब है 2 ग्राम हाइड्रोजन। ओके, मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं अभी गैस में लिख रहा हूँ इसमें। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब है कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस आपने लिया, और इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे हाइड्रोजन के, 6.022 × 10⁻³, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। सेकेंड देखिए, सेकेंड इज हीलियम। हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो मैंने इसका अप्रोक्सीमेट मास लिखा 4 यूनिट। अब इस यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको लिख देंगे 4 ग्राम। 4 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 1 मोल हीलियम। तो अगर मैं बोलता हूँ कि आपको 1 मोल हीलियम गैस लेनी है, 1 मोल हीलियम गैस लेनी है, तो इसका मतलब है आपको 4 ग्राम हीलियम लेनी पड़ेगी। 1 मोल हीलियम गैस लेनी है तो इसका मतलब क्या होगा, आपको 4 ग्राम हीलियम गैस लेनी पड़ेगी। ओके, और इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 × 10⁻²। देखिए सब्सटेंस 1 मोल है ना, अब 1 मोल हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन के इतने पार्टिकल्स थे, 1 मोल हीलियम है तो हीलियम के इतने पार्टिकल्स हैं, और इतने पार्टिकल्स कितने ग्राम में आते हैं,
चार ग्राम के अंदर आ जाते हैं, उनका मास क्या होता है 4 ग्राम। ओके इसी तरह से कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन होते हैं और इसका मास होता है 14 यूनिट। 14 यूनिट को 14 ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, 14 ग्राम। तो ये कितने मोल नाइट्रोजन हो जाएगा, 1 मोल नाइट्रोजन हो जाएगा 6.022 × 10⁻²। इसको ध्यान से समझ लीजिए, मैं अभी आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, इन क्वेश्चन के आंसर आपको देने दीजिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है, तो इट्स मास इज 16 यूनिट, और 16 यूनिट को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, 16 ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे। और 16 ग्राम का मतलब है 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन। और कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 × 10⁻²। ओके तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राम्स निकाल सकते हैं। आप बताएंगे मुझे, मैं आपको बोलता हूं कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस कितने ग्राम में आएगी, बताइए 1 मोल नाइट्रोजन गैस, कौन बताएगा 1 मोल नाइट्रोजन गैस हाउ मच ग्राम। यस यस सर, 28 ग्राम। 28 ग्राम, वेरी गुड। देखिए 28 ग्राम में कैसे आया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन का जो मास है वो 14 यूनिट होता है, 14 यूनिट। और नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं तो इसको किससे लिखा जाएगा, N2 से लिखा जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन गैस N2 गैस। तो दो नाइट्रोजन के एटम थे इसके अंदर और उनका मास कितना हो जाएगा, 28 यूनिट। उस यूनिट को किसमें कन्वर्ट करने में ग्राम है, तो 28 ग्राम। अगर मैं 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस लूंगा तो इसका मतलब होगा कि मैंने कितने मोल नाइट्रोजन गैस का यूज किया, 1 मोल नाइट्रोजन गैस, तो इट इज इन द 28 ग्राम। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता सकते हैं कितने होंगे इसमें, अगर मैंने 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस लिया तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, क्या होगा एवोगैड्रो नंबर, 6.022 × 10⁻²। तो ये जो 1 मोल नाइट्रोजन गैस हमने यूज की, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर था, ये एक कंटेनर था और इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या फिल कर दिया, इस कंटेनर में मैंने 1 मोल नाइट्रोजन गैस को फिल किया। 1 मोल नाइट्रोजन गैस को फिल करने का मतलब है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस मैंने इसमें फिल कर दी। और कितने पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर, 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स होंगे जो रैंडम मोशन कर रहे होंगे, किसके पार्टिकल, N2 के, ये N ट्रिपल बॉन्ड N, ये मॉलिक्यूल्स ऐसा इधर उधर घूम रहे होंगे इसके अंदर, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस आपको लेनी पड़ेगी। अब एग्जांपल थोड़ा चेंज करते हैं, मैं बोलता हूँ 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर, मेरे पास एक ग्लास था, उस ग्लास के अंदर मैंने 1 मोल वाटर को फिल कर दिया, तो आप मुझे बताएंगे कि इस पानी के गिलास के अंदर कितना वाटर हमने फिल किया, दिस इज हैविंग 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर है इसके अंदर, कैसे फाइंड करेंगे, देखिए वाटर को किससे लिखा जाता है, H2O से लिखा जाता है, H2O का मतलब है कि इसके अंदर दो तो हाइड्रोजन के एटम्स है और एक एटम किसका, एक एटम ऑक्सीजन का है, तो दो हाइड्रोजन के एटम है, हाइड्रोजन के एटम का वेट कितना होता है 1 यूनिट, 2 × 1, ऑक्सीजन के एटम का वेट है 16, तो 2 + 16, 2 × 1 ये 2 हो जाएगा, 2 + 16 इसका मास आएगा 18 यूनिट। तो एक पार्टिकल का H2O जो एक मॉलिक्यूल है, एक पार्टिकल है, इस एक पार्टिकल का मास है 18 यूनिट। अब मैंने बोला इस यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो यूनिट को मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, तो इसका मतलब होगा कि 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर का मतलब है कि मेरे को कितने ग्राम पानी लेना पड़ेगा, 18 ग्राम वाटर का यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं किसी भी कंटेनर के अंदर 18 ग्राम पानी भर दूंगा, 18 ग्राम वाटर भर दूंगा, तो उसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 × 10⁻²³ कितने मॉलिक्यूल्स इस ग्लास के अंदर वाटर के होंगे।
आप इसको वन मोल वाटर भी बोल सकते हैं, वन मोल वाटर आपको बोलना पसंद नहीं है तो आप इसको बोल सकते हैं 18 ग्राम वाटर। तो 18 ग्राम वाटर आपको लेना पड़ेगा अगर आप वन मोल वाटर का यूज करना चाहते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, और इसमें इतने पार्टिकल्स होंगे वाटर के 6.022 × 10²³ दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। ओके, तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, मैं आपको सब्सटेंस की क्वांटिटी बताऊंगा, मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको बता दिए हैं इन ये जो दो चार एग्जांपल्स मैंने आपको दिए इन्हीं से रिलेटेड मैं पूछूंगा। मैंने आपको बताया कि मेरे पास फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग 20 ग्राम हीलियम गैस, आई एम हैविंग 20 ग्राम हीलियम गैस, बताइए कितने मोल हीलियम गैस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, 20 ग्राम हीलियम गैस है एंड आई एम आस्किंग नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, हीलियम के नंबर ऑफ मोल फाइंड करना। आपको दे रखे 20 ग्राम हीलियम गैस और आपको ये बताया, अभी मैंने बताया था वन मोल हीलियम गैस का क्या मतलब होता है 4 ग्राम हीलियम, ठीक है। और टोटल अमाउंट आपको कितने बता रखी है, टोटल अमाउंट है 20 ग्राम और एक मोल में कितने ग्राम होते हैं 4 ग्राम होते हैं, तो इसको यहाँ लिख देंगे 4 ग्राम और एक ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा 20/4 इट विल बी 5 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड किए, मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताना चाहता हूँ इसीलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया। अब जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ये 20 ग्राम ऑफ हीलियम क्या था, ये मैंने आपको बताया मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सैंपल या मास ऑफ द सब्सटेंस मतलब कि एक्सपेरिमेंट में जो हम सब्सटेंस यूज करने वाले हैं उसका मास, तो ये उस सब्सटेंस का मास है जो हमने एक्सपेरिमेंट में यूज किया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये 20 ग्राम था मास ऑफ द सब्सटेंस, ये फॉर्मूला चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, डिवाइड बाय 4 ग्राम है, ये 4 ग्राम क्या है, एक मोल हीलियम गैस 4 ग्राम में आती है, तो हमने इसका नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम का सिंपल सा मतलब है कि एक मोल हीलियम कितने ग्राम में आएगी, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, तो डिवाइड बाय आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस या डायरेक्ट लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो ये जनरल फॉर्मूला है, ये है जनरल फॉर्मूला, ये हमारी कैलकुलेशन में काम आएगा आगे। नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं एन से, और इसको मैं सिंबल्स में लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स को लिखा जाता है स्मॉल एन, नंबर ऑफ मोल्स को किससे लिखते हैं स्मॉल एन से लिखते हैं। मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस इज रिटन एज स्मॉल एन, तो एन इज इक्वल टू स्मॉल मास ऑफ द सब्सटेंस एंड मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इज रिटन एज कैपिटल एन, तो डिवाइड बाय आ जाएगा कैपिटल एन, दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो इसी फॉर्मूला से तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, मास ऑफ द सब्सटेंस 20 ग्राम दे रखा है हीलियम एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस 4 ग्राम, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना है 4 ग्राम, तो यहाँ पे सब्सटेंस का मास रखा, यहाँ पर लिखा 20 ग्राम डिवाइड बाय 4 ग्राम कितना आ गया था 5 मोल्स, ये तो जनरल फॉर्मूला। ओके, अब इस कैलकुलेशन को हम लोग यूज करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बनाने, ये जो कैलकुलेशन है ये जो फॉर्मूला है हम इसको यूज करने वाले हैं क्या बनाने में, मोलर स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए। जनरल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, द मोलर स्पेसिफिक हीट इज रिटन एज सी एंड इट्स फॉर्मूला इज डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एन डेल्टा टी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, और ये फॉर्मूला हमें बनाना है डिराइव करना है। तो आंसर है किससे करेंगे,
तो हम लोग ये सारी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक हीट से, या लिखेंगे वी नो दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट इज एफ इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एम डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा क्यू। ये फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट का, ये मोलर स्पेसिफिक हीट का, ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये जनरल फॉर्मूला भी पढ़ा हमने। तो यहां से एम की वैल्यू क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ कि स्मॉल एम की वैल्यू मुझे चाहिए तो कैसे फाइंड करेंगे? जो कैपिटल एम है मोलर मास है जो डिवाइड में है, मॉलिक्यूलर मास जो है जो डिवाइड में है, उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास था जब ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं और एम इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल एम। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू द हीट एनर्जी गिवन टू द सब्सटेंस, एम की जगह पर क्या लिख सकते हैं एन इंटू कैपिटल एम, तो हेयर आई एम राइटिंग एन इंटू कैपिटल एम और मल्टीप्लाई में क्या था डेल्टा टी, ये लिख दिया हमने, वैल्यू पुट कर दी। अब मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होना चाहिए, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एन डेल्टा टी। तो यहाँ पर एन तो आ रहा है, डेल्टा टी भी आ रहा है, डेल्टा क्यू भी आ रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ रही है मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो एम इधर डिवाइड में है यहाँ आएगा तो इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट का एक फॉर्मूला और बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एम इंटू एस, ये जो एम था डिवाइड में इधर आया मल्टीप्लाई में आ गया, और यहाँ पर क्या क्या क्वांटिटी बैठे, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एम डेल्टा टी, एंड दिस इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। ये जो है डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, इसको हम लोग क्या लिखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट लिखते हैं। तो दिस इज द डेरिवेशन टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ मोलर सेट, बड़ा सिंपल है, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला यूज करना है और यहाँ पर आपको एम की वैल्यू पुट करनी है, स्मॉल एम की वैल्यू पुट करनी है। जो स्मॉल एम की वैल्यू है वो क्या होती है, वो होती है एन इंटू कैपिटल एम। तो स्मॉल एम की वैल्यू एन इंटू नंबर ऑफ मॉल्स इंटू मॉलिकुलर मास, नंबर ऑफ मॉल इंटू मॉलिकुलर मास, इनको यहाँ पर पुट करेंगे और ये जो m डिवाइड में आ रहा है इसको यहाँ मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा m इंटू एस, मॉलिकुलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट। तो एक और फॉर्मूला हो गया इसका मोलर स्पेसिफिक हीट का, दो फॉर्मूला और हैं डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, और एक फॉर्मूला और बन रहा है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, दिस इज मॉलिकुलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट, मॉलिकुलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। तो इस तरह से हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बना सकते हैं। अब कल मैं आपको ये डिस्क्राइब करूंगा कि मोलर स्पेसिफिक हीट जो वर्ड है वो गैसेस के लिए यूज किया जाता है, ये जो क्वांटिटी है ये जनरली किसके लिए यूज की जाती है, गैसेस के लिए, क्योंकि गैसेस की स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट नहीं होती है, क्योंकि गैसेस की स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट नहीं होती है, वो कंडीशन पर डिपेंड करती है कि आपने किस तरह से हीट एनर्जी दी, कंप्रेशन किया, एक्सपेंशन किया, क्या किया, तो उस पर डिपेंड करेगी स्पेसिफिक हीट गैसेस की। सॉलिड और लिक्विड में क्या बताया, सॉलिड और लिक्विड में जब भी हम लोग हीट एनर्जी देते हैं तो ज्यादातर हीट एनर्जी तो उसका टेम्परेचर राइज करने में चली जाती है, एक्सपेंशन बहुत कम होता है। तो हम लोग ये मानते हैं कि हमने जो हीट एनर्जी दी थी उससे सिर्फ टेम्परेचर राइज हुआ, एक्सपेंशन में कोई भी एनर्जी खर्च नहीं हुई। लेकिन गैसेज के साथ ऐसा नहीं माना जा सकता, क्यों नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब भी हम हीट एनर्जी देंगे तो उससे दो वर्क होंगे, उसका टेम्परेचर भी राइज होगा और गैस हीट एनर्जी देने पर क्या होगी, एक्सपेंड भी होगी, तो एक्सपेंशन में भी कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो हमने जो हीट एनर्जी सप्लाई की उससे दो वर्क होंगे, टेम्परेचर भी राइज होगा प्लस एक्सपेंशन भी होगा। अब कितना टेम्परेचर राइज हुआ और कितना एक्सपेंशन हुआ उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी। तो इसलिए गैसेस के लिए क्या यूज करेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट, और ये मोलर स्पेसिफिक हीट के टाइप्स होंगे आगे, दो तरह की होती है ये मोलर स्पेसिफिक हीट, दो कंडीशन पर डिपेंड करती है, उसके बेसिस पर हम इसको स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, कल डिस्कस करते हैं हम लोग इसके टाइप्स को, मोलर स्पेसिफिक हीट के टाइप्स को।